बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो कुछ लिखना सीखा वो बाबा साहब अम्बेडकर से ही सीखा है। 1948 से लेकर 1954 तक 54 तक मुझे उनके चरणों में बैठने का सीखने का मौका मिला है और इसलिए मैं अपने आप को एक खुशकिस्मत अम्बेडकर समझता हूँ। पहली बात मैं बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि वो किसी जात किसी फिरके किसी विशेष विचारधारा के नेता नहीं है, वो इंसान और इंसानियत के नेता हैं। पहली बात हमें दुनिया के अंदर ये बड़े जोरदार शब्दों में बतानी चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर इंसान की बेहतरी और बहबूदी के लिए, इंसान की खुशहाली के लिए और इंसानियत की सर्वबुलंदी के लिए बाबा साहब ने अपना सारा जीवन निशावर किया है। अब मैं इसकी एक दो मिसालें देना चाहता हूँ। बाबा साहब ने इंसान को तर्कशील बनाने के लिए कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने सामाजिक समानता लाने के लिए कहा, बाबा साहब ने इंसान को नैतिक बनने के लिए कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने इंसान को इंसाफ पसंद बनने के लिए कहा और उनका जितनी भी गतिविधियां हैं वो इन तमाम बातों पे आधारित हैं। तो उन्होंने जो भी संघर्ष किया, जो भी बलिदान किया, जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किए वो तमाम इन्हीं इसी विचारधारा के आसपास घूमते हैं। पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने तर्कशील का मतलब है केवल इंसान को ही मानना। तो तर्कशील का संविधान सभा में भी एच बी कामत ने ये रेजोल्यूशन पेश किया कि हम भारत के लोग के शब्दों से पहले इन द नेम ऑफ गॉड ईश्वर के नाम पर लगाया जाए, यानी एच बी कामत ने जो प्रस्ताव रखा इन द नेम ऑफ गॉड वी द पीपल ऑफ इंडिया। ऐसे चार लोग और थे जिन्होंने ईश्वर का नाम पहले लगाने के बाद हम लोग का शब्द लगाने के लिए कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने उनकी नहीं मानी, उन्होंने हम लोग ही को प्रेफरेंस दी, तरजीह दी, प्रायोरिटी दी। तो ये उनकी तर्कशीलता का सबसे बड़ा इम्तिहान है, सबसे बड़ी परीक्षा है और सबसे बड़ा योगदान है। उसके बाद समतावादी समाज बनाने के लिए अगर हम संविधान के मौलिक अधिकारों को देखें तो उसमें क्या है, मौलिक अधिकार कहते हैं धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म, लिंग, किसी के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये मौलिक अधिकार हैं संविधान के और इन मौलिक अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई बदल नहीं सकता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट है। बाबा साहब ने यही नहीं बात छोड़ी, उन्होंने संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 13 में ये लिखा है कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा अध्यादेश, कोई भी रीति रिवाज, कोई भी किसी तरह की प्रथा जो मौलिक अधिकारों से टकराती है उसको वाइड, उसको जीरो करार दिया जाता है। संविधान हीरो है और वो तमाम बातें जीरो हैं। तो संविधान बाबा साहब की विचारधारा का एक बहुत बड़ा आईना है, दर्पण है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी विचारधारा को संविधान के अंदर दर्ज करने की बड़ी कोशिश की है। ये ठीक है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने औरतों के लिए और दलित वर्गों के लिए
ज्यादा काम किया, क्योंकि उनके लिए ज्यादा काम जरूरत काम करने की जरूरत थी। लेकिन जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो इंसान के लिए काम करते थे, इंसानियत के लिए काम करते थे। अब देखिए, पहली मिसाल लीजिए, पॉलिटिकल संविधान सभा में ये सवाल पेश हुआ कि वोट का अधिकार किसको देना है, तो वहां पर एक प्रस्ताव आया कि जो ग्रेजुएट है उसको वोट का अधिकार दिया जाए। एक ने कहा नहीं, ग्रेजुएट बहुत ज्यादा गरीब का मियार है, जो मैट्रिक है उसको वोट का अधिकार देना चाहिए। बाबा साहब ने ये प्रस्ताव रद्द किए। उन्होंने कहा मैं वोट का अधिकार भारत के सभी बालकों को दूंगा, और उन्होंने वोट का अधिकार सभी बालकों को दिया, चाहे वो अमीर था, चाहे वो गरीब है, चाहे उसको आला कहा जाता है, चाहे उसको अदना कहा जाता है। और उसकी बना पर हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हमारे पास शुरुआत की गई। ये मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि जैसी लोकतंत्र बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, वैसा लोकतंत्र हमारे देश में पनपा नहीं, क्योंकि संविधान के ऊपर कार्य नहीं किया गया, संविधान को ईमानदारी से लागू नहीं किया गया। इसलिए हमारे देश में जैसा लोकतंत्र बनना चाहिए था वैसा नहीं बना। इस लोकतंत्र को बाबा साहब ने अपने एक भाषण में कहा था कि है काम करने वाले लोगों, है वर्किंग क्लास के लोगों, तुम्हारे दो दुश्मन हैं, एक कैपिटलिज्म और दूसरा ब्राह्मणवाद। आज ये दोनों मिलके सरमाएदारी, पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद, इन दोनों ने भारत के लोकतंत्र को हथिया लिया है। आज लोकतंत्र पैसे वालों का, आज लोकतंत्र अपराधियों का लोकतंत्र बन के रह गया है। और जो लोकतंत्र ने भारत के लोगों का भला करना था, वो लोकतंत्र में भारत के लोगों का भला नहीं हो सका। ये बहुत अफसोस की बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब पहली परत के लिए संविधान सभा में संविधान का मसौदा पेश किया, तो उन्होंने कहा था अपने भाषण में, जो रिकॉर्डेड है, कि अगर इस संविधान से लोगों का भला नहीं हुआ तो कहना ये पड़ेगा कि संविधान बुरा नहीं है, उसको चलाने वाले लोग ही दुष्ट हैं। ये बाबा साहब के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। संविधान जो बाबा साहब ने बनाया उसको वंडरफुल डॉक्यूमेंट कहा जाता है। एक अंग्रेज, ऑस्टन नाम के अंग्रेज ने संविधान के ऊपर किताब लिखी है, उसका पंजाबी में भी अनुवाद हुआ है। वो कहता है कि भारत का संविधान ऐसा है जो सोशल रेवोल्यूशन, सामाजिक क्रांति भारत में ला सकता है, और इस संविधान के द्वारा सामाजिक क्रांति आनी चाहिए थी, ये उसका कहना है। और फिर आज बाबा साहब अम्बेडकर अपनी एक किताब में, जिसका नाम है Who Were the Shudras and How They Became the Fourth Varna, शूद्र लोग कौन थे और वो चौथा वर्ण कैसे बने, उसकी भूमिका में कहते हैं कि विमाना नाम का एक कवि है, मैं उसकी कविता का से ढाढ़स लेता हूँ कि कोई समय आएगा मेरी बात पे लोग ध्यान देंगे। आज इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि दुनिया के अंदर, विशेष तौर पर भारत के अंदर, जब लोगों ने प्रदर्शन शुरू किए नागरिक संशोधन बिल और बाद में एक्ट के खिलाफ, तो चाहे वो शाहीन बाग दिल्ली हो, हैदराबाद हो, और चाहे बंगलौर हो, चाहे तमिलनाडु हो, सब जगह लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगा करके अपने
प्रदर्शन शुरू किए, ये इस बात का सबूत है कि बाबा साहब का विचारधारा सच्ची विचारधारा है जो हमारे देश को आगे ले जा सकती है, जो हमारे देश को तरक्की की तरफ ले जा सकती है। अब देखिए बाबा साहब अम्बेडकर क्या चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को बदलने के लिए उन्होंने बार बार कहा कि मेरा झगड़ा ब्राह्मणवादियों से बुनियादी है, मेरा झगड़ा सतही नहीं है, मेरा झगड़ा साधारण नहीं है, मेरा झगड़ा बुनियादी है। बुनियादी झगड़ा क्या है? वो झगड़ा ये है कि उनका आइडियल, उनका आदर्श गलत है। उनका आदर्श इसलिए गलत है क्योंकि उनका धर्म गलत है। आदर्श जो है वो उनके धर्म के कारण गलत है। इसलिए बाबा साहब ने सैकड़ों वर्षों के बाद भारत में पहले बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने बुद्ध धर्म को बहाल किया, बुद्ध धर्म को रिवाइव किया, रिवाइव ही नहीं किया। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने स्वयं बुद्ध धर्म की भिक्षु चंद्रमणि से दीक्षा ली और अगले दिन उन्होंने लाखों लोगों को बुद्ध धर्म की दीक्षा दी। इसमें बड़ा एक बुनियादी सवाल उन्होंने पैदा किया। उन्होंने 1954 में साधना कौशल वर्मा को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में बुद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ। वो कहते हैं कि भिक्षु के लिए उपशब्दा थी, भिक्षु के लिए भिक्षु बनने के नियम थे, लेकिन बौद्ध उपासक के लिए, बौद्ध उपासका के लिए कोई नियम नहीं थे, इसलिए बुद्ध धर्म का पतन हुआ। तो 14 अक्टूबर 1956 के दूसरे दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बुद्ध धर्म की दीक्षा दी उसमें 22 प्रतिज्ञाएं, 22 प्रतिज्ञाएं भी शामिल की। और वो 22 प्रतिज्ञाएं जो है वो लाजमी बुद्ध धर्म की दीक्षा का हिस्सा है। जितना धर्म के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने अध्ययन किया है, मेरे विचार में शायद ही किसी महापुरुष ने इतना अध्ययन किया हो। बाबा साहब अम्बेडकर अपनी एक रचना में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग स्पीड के खंड 3 में कहते हैं, 24 पृष्ठ पे वो कहते हैं, रिलीजन इज लाइव वायर। धर्म जो है एक सजीव बिजली की तार है, एक चालू तार है, अगर इसको छुएंगे तो मौत के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो बाबा सब कहते हैं धर्म दीक्षा हमारे देश की तरक्की के लिए, हमारे देश की उन्नति के लिए और देश की सर्व पक्षीय आजादी के लिए धर्म दीक्षा होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए बाबा साहब ने धर्म दीक्षा के नियम बनाए जो सभी किताबों में लिखे हुए मिलते हैं। मैंने जो किताब लिखी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जीवन और मिशन, उसमें ये तमाम चीजें मैंने दर्ज की हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर को हमें एक महान आदर्शवादी, महान सिद्धांतवादी एक महापुरुष के तौर पर पेश करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, एक विचारधारा का नाम है। उन्होंने कहा लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये
उनकी विचारधारा के सार हैं। लिबर्टी, अब लिबर्टी का मतलब आजादी होता है, लेकिन बाबा साहब इसको आगे जोड़ते हैं। वो कहते हैं आजादी में मानसिक आजादी भी शामिल है। वो कहते हैं एक आदमी जेल में बैठा है, लेकिन वो मानसिक तौर पर आजाद है, तो वो जेल में बैठा हुआ भी आजाद है। लेकिन एक आदमी सड़क पे घूम रहा है, लेकिन वो मानसिक तौर पर आजाद नहीं, तो वो सड़क पे फिरता हुआ भी गुलाम है। इसको बाबा साहब कहते हैं लिबर्टी, इक्वलिटी। बाबा साहब कहते हैं समाज के अंदर बराबरता होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो औरत को मर्द के बराबर वोट का अधिकार दिया। ना केवल ये, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर को औरतों की भलाई का योद्धा कहा जाता है। अम्बेडकर को औरतों की तरक्की का, औरतों की आजादी का योद्धा कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल बनाया। हिंदू कोड बिल क्या था? हिंदू कोड बिल हिंदू औरतों की आजादी का दस्तावेज है। हिंदू औरत तलाक नहीं दे सकती थी, चाहे उसका पति शराबी हो, उसका पति जुआरी हो, उसका पति पैसा कमाता हो, घर में नहीं देता हो, तो औरत जो है उसको अधिकार नहीं था कि वो तलाक दे, क्योंकि कहते थे कि जो शादी आसमान में बन गई है उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको तलाक नहीं दिया जा सकता। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने औरत को सबसे पहले तलाक का, डाइवोर्स का हिंदू कोड बिल में अधिकार दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने औरत को राजनीतिक अधिकार के साथ साथ प्रॉपर्टी का, अपने पति की, अपने ससुराल की प्रॉपर्टी में जमीन जायदाद के हिस्से का अधिकार दिया। ऐसे और बहुत सारे अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने औरत को दिए, इसलिए उनको औरतों की बुराई का योद्धा कहा जाता है। इसी तरह जो दलित वर्ग है, मैं केवल दलित शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा है, मैं कह रहा हूँ दलित वर्ग, वो वर्ग वो क्लास जो जमात जिनको पैरों के नीचे कुचला गया, बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहले शब्द इस्तेमाल किया डिप्रेस क्लासेस। डिप्रेस क्लासेस यानी दलित वर्ग। बाबा साहब अम्बेडकर ने दलित वर्गों के लिए जो काम किया उसके लिए बहुत सारे गलती से उनको दलितों का नेता कहते हैं, लेकिन वो केवल दलितों के नेता ही नहीं थे, वो इंसानियत के नेता थे। जैसे मैं कह रहा हूँ संविधान के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने जहाँ दलित वर्गों को, अनुसूचित जातियों को राजनीतिक रिजर्वेशन का अधिकार दिया, वहां पर उनको सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का अधिकार दिया। इसके अलावा संविधान के अंदर एक बहुत विशेष बात है, संविधान के अंदर एक बहुत विशेष बात है कि संविधान में एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम रखा गया कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। पहले था कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, फिर इसके बाद इसके दो कमीशन बन गए, कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। अब शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन जो है वो हर साल, अगर जरूरत पड़े साल में दो बार, राष्ट्रपति को सारे देश में से अनुसूचित जातियों की क्या हालत है, उनकी नौकरियों की क्या हालत है, उनके साथ कैसा सलूक हो रहा है, उनके साथ
कैसे जुर्म जबर हो रहे हैं, इनकी एक रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति कमीशन की उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के अंदर बहस के लिए पेश करेगा। लेकिन अफसोस है, कई सालों से कमीशन ने ना तो रिपोर्ट दी और ना राष्ट्रपति ने पार्लियामेंट के अंदर उस रिपोर्ट को पेश किया, इसलिए आज ये हमारे सामने स्पष्ट नहीं है कि हमारे दलित वर्गों की हमारे देश के अंदर क्या हालत है, कैसी हालत है। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के अंदर दलित वर्गों के लिए विशेष विशेष प्रावधान देश संविधान के अंदर विशेष आर्टिकल लगाए। बाबा साहब चाहते थे हमारे देश के अंदर समाजवाद के तौर पर देश का राजकाज चले, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सका है। उसका कारण ये कि संविधान उन लोगों के हाथ में आ गया है जो लोग नहीं चाहते कि देश के अंदर समाजवाद जो है उसको लागू किया जाए। तो इसलिए आज मैं विदेशों में बैठे हुए अपने तमाम अम्बेडकराइट और बुद्धिस्ट भाइयों को, जिनमें से आज जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है, मैं उनको बहुत शाबाश देना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारे भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको सारी दुनिया में उजागर करने का बहुत बड़ा योगदान दिया है। यूएनओ तक में उन्होंने अपनी फरियाद हमारी देश की पहुंचाई है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं उनसे ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि वो एक ऐसा फंड क्रिएट करें, एक ऐसा फंड बनाएं जो हमारे देश के अंदर बुद्ध धर्म का तर्कशीलता का, बुद्ध धर्म का मतलब है तर्कशीलता, बुद्ध धर्म का मतलब है नैतिकता, बुद्ध धर्म का मतलब है मानसिक आजादी, इसका प्रचार करने के लिए उन सबको बहुत ज्यादा एक फंड क्रिएट करना चाहिए, ताकि हम लोग जो है भारत के अंदर बहुत बड़ा काम कर सके। अभी कनाडा के अंदर जयदेव और उनके साथियों के उत्साह के कारण, मेहनत के कारण कनाडा के एक प्रांत में डे ऑफ इक्वालिटी समानता का दिन 14 अप्रैल को मनाया जाना है। तो मैं अपने तमाम विदेशों में रहने वाले भाइयों से बहनों से ये निवेदन करूंगा कि आप इस 14 अप्रैल को इंटरनेशनल समानता का दिन डे ऑफ इक्वालिटी मनाने के लिए दुनिया भर में मनाया जाए, इसके लिए जतन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।